गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स. नेक्स्ट चैप्टर वी हैव स्टार्ट टुडे इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. भोजन जो हमारा है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं और वो किस तरह से हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल्स के लिए हेल्पिंग है, वो हम सब पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं अपन, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर न्यूट्रिएंट्स, रफेज, डाइट्री फाइबर्स होते हैं एंड वाटर. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एज द सब्सटेंसेस दैट एन ऑर्गेनिजम्स नीड्स फॉर ग्रोथ. हर एक जीव को चाहिए होते हैं पोषक तत्व ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए भी. और हमारे जो मेन पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो हमारे फूड में होने चाहिए, वो हैं कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन एंड मिनरल्स हैं. सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में. सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हमें मिलती है फूड में जिस न्यूट्रिएंट से, वो है कार्बोहाइड्रेट की, इज द एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें, ये हमें शुगर से मिल सकता है. स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स में स्टोर होता था, इसीलिए प्लांट से जो फूड मटेरियल हमें मिलते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है. जैसे पोटैटो होता है, आलू, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टार्च प्रोवाइड होता है. ठीक है, इसके अलावा जो आपके वीट है, राइस है, मेज है, बाजरा है, अनाज जो भी खाते हैं अपन, उसमें भी स्टार्च काफ़ी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, ये सारे के सारा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में था, तो ध्यान रखना एनर्जी गिविंग जो है न्यूट्रिएंट्स होता है. फिर एक्टिविटी था हमारा एक कि स्टार्च का टेस्टिंग अपन कैसे करेंगे किसी भी फूड सैंपल के अंदर, तो कुछ नहीं है. इसके लिए हमें कोई भी एक टेस्टिंग मटेरियल ले लो, जैसे कि कच्चा आलू ले लिया अपन ने, रो पोटैटो, और हमें आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए होता है. ठीक है, और एक ड्रॉपर चाहिए होता है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर. एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसको आधा पानी से भर लेंगे, उसमें कुछ आयोडीन के सॉल्यूशन की बूंदें डालेंगे. ठीक है, और फिर अब एक कटा हुआ आलू लेंगे अपन, रो पोटैटो, एंड उसके ऊपर कुछ बूंदे डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन की जो कटी हुई सरफेस है उसके ऊपर, एंड हम देखेंगे कि ब्लू ब्लैक कलर व्हेन द आयोडीन ड्रॉप्स फॉल ऑन द कट सरफेस ऑफ पोटैटो. जैसे आयोडीन का सॉल्यूशन अपन ने आलू पर डाला, उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक. इसका मतलब क्या था, उसमें उसमें स्टार्च था. ठीक है, तो इस तरीके से अपन स्टार्च का टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है हमारा प्रोटीन के बारे में बात करेंगे अपन. प्रोटीन एक काफ़ी बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कि बॉडी की जो ग्रोथ होती है, मसल्स की ग्रोथ होती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर को चाहिए होता है वो चाहिए होता है प्रोटीन. और प्रोटीन जो हमको मोस्ट ऑफ द मिलेगा वो मिलेगा हमारे को अगर वेजिटेरियन खाने में अगर अपन जाएँ तो हमें दालों से मिलेगा. ठीक है, जो भी पल्सेस होती हैं, सोयाबीन है, किडनी बीन्स है, आलमंड है, चेजू है, ग्राउंडनट्स है, ड्राई फ्रूट्स में भी काफ़ी प्रोटीन आता है, ग्राम है, मूंग तुअर दाल है, अनाज में मेज है और वीट है. इसके अलावा अगर नॉनवेज में जाएं तो आपको मछली है, अंडा है, इनके अंदर भी काफ़ी मात्रा में जो है प्रोटीन मिल सकता है. ठीक है, और ये भी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इसके अलावा चीज़ है, पनीर है, कर्ड है, डेयरी प्रोडक्ट्स में जाएँ तो मिलेगा. द टेस्ट ऑफ प्रिसन एक्टिविटी सेकेंड देखते हैं अपन कि प्रोटीन्स का कैसे टेस्टिंग करना होता है. तो कुछ नहीं है, इसके लिए हमें जो प्रोटीन कंटेनर मटेरियल होते हैं खाने में उसको ले लेना है. जैसे कि अपन बात करते हैं बॉयल्ड एग ले लेते हैं, ठीक है, उबला हुआ अंडा ले लेते हैं, उसका वाइट पोर्शन, अंदर का योक हटा देंगे और उसके वाइट पोर्शन ले लेते हैं. एक हमें चाहिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक चाहिए कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब ड्रॉपर और टेस्ट ट्यूब का स्टैंड चाहिए, नथिंग. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे. 100 ml वाटर लेंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे और कास्टिक सोडा 10 ग्राम लेकर के उसको 100 ml वाटर के साथ में. तो 2 सॉल्यूशन बना लिए अपन ने, एक कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का और एक कॉपर सल्फेट का. अब बॉइल्ड एग का पीस लेंगे वाइट पोर्शन वाला, ठीक है, और 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे उसके ऊपर और 10 ड्रॉप जो है हमने जो कास्टिक सोडा तैयार किया था उसकी डालेंगे ड्रॉपर से. एंड शेक द टेस्ट ट्यूब वेल एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स. टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों को ऐड कर लिया, कॉपर सॉल्यूशन और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन को. एंड देन कंटेन द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वॉयलेट. आगे देखिए, द वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन द बॉइल्ड एग. वो जो वॉयलेट कलर आया है वो क्या प्रेजेंस कर रहा है कि उस बॉइल्ड एग के अंदर क्या है, प्रोटीन है. इज इट क्लियर? तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया था, बॉइल्ड एग थोड़ा सा टुकड़ा और फिर उसके ऊपर ये सारी चीजें डाली, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा का. नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन हमारा वो होता है फैट, उसके बारे में बात करेंगे. तो फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, इसलिए इसको भी अपन एनर्जी गिविंग फूड ही बोलेंगे. और ये मिलेगा आपको घी में, ऑयल में, बटर, मिल्क, मीट वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर. लेकिन एक्सेस फैट अगर आप अपने खाने में ले रहे हो
तो फिर वो बन जाएगा कॉज ऑफ ओबेसिटी, मतलब कि आपके मोटापे का कारण बन सकता है। इसलिए बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग हमें फैट लेना चाहिए। अब इसमें एक्टिविटी थर्ड की बात करते हैं अपन, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द फैट इन ए फूड सैंपल। कैसे चेक करेंगे अपन किसी भी फूड सैंपल में जो है फैट कितना है? तो सबसे पहले अपन ने पील्ड ग्राउंडनट ले लेते हैं, अपन एक छीली हुई मूंगफली एंड ए पीस ऑफ द क्लीन पेपर ले लेते हैं, एंड टेक सम पील्ड ग्राउंडनट एंड रैप देम ए पीस ऑफ क्लीन पेपर। आप मूंगफली के कुछ बीज लेकर के उसको पेपर से लपेट दो, आप देखोगे पेपर थोड़ी देर बाद में ऑयली हो जाता है। इज दैट, उसमें ऑयल था उसमें फैट था, इस सिंपल से एक्टिविटी है। बात करते हैं फैट्स के बाद में, जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो होते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और विटामिन हमारे फूड मटेरियल से ही मिलेंगे, सब्जी वगैरह से। अलग अलग टाइप के विटामिन है, ए बी सी डी ई, विटामिन के, और सबके बॉडी में अपने अपने फंक्शन है। इज इट क्लियर? और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है यह भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा विटामिन किस खाने से सोर्स मिलता है, हमें कहाँ से मिलेगा, उसका फंक्शन क्या है। तो विटामिन ए आपको ग्रीन वेजिटेबल जो होती है, लीफी वेजिटेबल, कैरेट है, फिश लीवर है, ऑयल, पपाया, मैंगो, इनसे प्राप्त होता है। और इसका फंक्शन क्या है, हमारी आईसाइट जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्थी स्किन होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कई तरह के ग्रुप ऑफ विटामिन होते हैं, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी वन टू, ठीक है, कॉम्प्लीटली इसको अपन एक ही बोलते हैं विटामिन बी। ये भी ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, मीट, मिल्क, होल ग्रेन, सीरियल्स, रीस, राइस, जो है व्हीट, नट्स, लीवर, इन सब में पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना, हार्ट का जो है नर्व जो है एंड मसल्स को जो है एकदम ठीक ठाक प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहना। विटामिन सी आपका जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे आंवला है, ऑरेंज है, लेमन है, टमेटो है, गवावा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन चिली, इनमें पाया जाता है। और ये टीथ के लिए जो हमारे गम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, बॉडी की जो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी उसको बढ़ाता है। विटामिन डी आपका मिल्क में, एग में, योक में, फिश लीवर, इनमें पाया जाएगा। और विटामिन डी हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, टीथ की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं विटामिन के बाद में मिनरल्स की, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी को नीडेड। तो आप देखोगे हमारे बॉडी में सबसे पहले जो बात करते हैं अपन कैल्शियम की बात करते हैं, ये मिल्क से मिलेगा, दूध, चीज है, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन हार्डनिंग द बोन्स ऑफ द टीथ। कैल्शियम बहुत जरूरी है शरीर में हड्डियों की मजबूती के लिए, टीथ फॉर्मेशन के लिए, एंड क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। रक्त का जो थक्का जमता है शरीर में, कहीं भी कटवट लग जाता है, उसको रोकने के लिए कैल्शियम का नीड जरूरी है। ये मिनरल्स में आते हैं। इसके बाद करते हैं फॉस्फोरस, तो ये भी दूध से, घी से, बटर, वेजिटेबल्स, बाजरा, नट्स, लीवर, रागी से प्राप्त होता है। ये भी बोन्स और टीथ फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोडीन जो है आपको सी फूड जो होते हैं, समुद्री मछली वगैरह, और इसके अलावा आयोडीन साल्ट ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। आयोडीन जो है इसेंशियल है थायरोक्सिन हार्मोन, जो हमारे ग्लैंड होती है गले में, एक थायराइड ग्लैंड, उससे निकलता है। एंड द हार्मोन कंट्रोल आपका फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है बॉडी में, उसको कंट्रोल रखता है। इसलिए आयोडीन बहुत जरूरी है, अदरवाइज थायरोक्सिन हार्मोन इफेक्टेड होगा और ये सारे सिम्टम्स सामने आएंगे। आयरन जो होता है वो ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियों में, लेग्यूमेंस, इसके अलावा आपका स्पिनच, पालक वगैरह, जैगरी, ठीक है, इसके अलावा जो आपका चीकू आता है, बीटरूट वगैरह, इसके अंदर जिसको बोलते हैं शलजम, इसमें, चुकंदर में, इन सब में आयरन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, अनार में। तो एसेंशियल फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए जरूरी होता है। इसके अलावा होते हैं डाइटरी फाइबर्स, रफेज जो बोलते हैं, द फाइबरस इनडाइजेस्टेबल मटेरियल प्रेजेंट इन अवर फूड, जो इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है उसको अपन बोलते हैं रफेज, एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हमको टू अवर बॉडी। रफेज हेल्प्स द फॉलोइंग वेज, इट एड्स बल्क टू द फूड एंड दे हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड द अनडाइजेस्टेड फूड एंड थेरेपी प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, एंड इट कैन एब्जॉर्ब द ग्रेट अमाउंट ऑफ द वाटर एंड हेल्प रिटेन द वाटर इन द बॉडी। पानी की जो मात्रा उसको सोख के रखते हैं और उसको रिटेन करने में भी इनकी शक्ति होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे खाने के लिए वो होता है वाटर, और वाटर 2 से 3 लीटर एवरी डे हर आदमी को, मनुष्य को लेना चाहिए। एक्सेसिव वाटर लॉस अगर हमारी बॉडी से हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, होंठ सूख जाएंगे, जीभ सूख जाएगी, और उससे फिर दस्त वगैरह, उल्टी दस्त, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और उसका ट्रीटमेंट क्या है, डिहाइड्रेशन का ORS का जो सॉल्यूशन होता है वो हमको पिलाया जाता है, छोटे बच्चों को भी देखा होगा आपने। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बैलेंस डाइट के बारे में, जो फूड होता है दैट ईट वी ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड अवर डाइट।
ठीक है, पूरे दिन में जो अपन खाना खाते हैं वो डाइट होता है हमारा, और उस डाइट के अंदर जो कंटेन है प्रॉपर अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, एवरी कंटेंट एवरी न्यूट्रिएंट्स इज द प्रॉपर बैलेंसिंग अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ द बॉडी एंड एज ऑफ योर, इसके अकॉर्डिंगली हमें कितनी मात्रा में कितना न्यूट्रिशन लेना है, दिस टाइप ऑफ द डाइट इज नोन एज द बैलेंस डाइट। इज दैट क्लियर? एंड लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग द कुकिंग। अब देखो भोजन बनाते समय कुकिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं चला जाए पूरा का पूरा, इसलिए हमें कुकिंग करते समय जैसे हम सब्जियां काटते हैं तो उनको ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए वरना उनके पानी के साथ बह जाएंगे, उसके मिनरल्स विटामिन जो ऊपरी सतह पर होते हैं। इसके अलावा उसको हद से ज़्यादा पानी डाल करके पकाना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें भी विटामिन जो हैं वो चले जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़ के बारे में। अब डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़ क्या है? बैलेंस डाइट अगर नहीं होगा तो बीमारियां होंगी। अब किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है वही हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन से क्वाशकोर बीमारी हो जाती है और ये बच्चों में बहुत ही अमंग होती है, टांगें पतली हो जाती हैं, ठीक है, पेट जो है हल्का सा निकल कर बाहर आ जाता है जो नाभि होती है वहाँ से, और आपके जो बाल हैं वो रेडिश हो जाते हैं, आँखें जो हैं वो अंदर की तरफ धंस जाती है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं क्वाशकोर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी से कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से एक और बीमारी होती है, वो होती है मैरास्मस, ठीक है। इसमें आईज जो है एकदम आपकी सूख जाती है और ग्रोसली अंडर वाइट, नीचे काले से धब्बे पड़ जाएंगे, आपकी पसलियाँ दिखने लगेंगी, यहाँ से आंतड़ियाँ जो होती है पसलियाँ रिप्स जिनको अपन बोलते हैं वो बाहर आने लगेंगे। ये सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियाँ, इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर डाइट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़। कौन से विटामिन से कौन सी कमी हो सकती है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपको विजन जो पावर है आपका रात्रि में देखने का वो कम हो जाएगा। विटामिन बी से बेरी हो सकता है, आपके वीकनेस आ सकती है, टांगों पे स्वेजन आ सकती है, स्वेलिंग जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, वेट कम होना। विटामिन सी से स्कवरी हो जाएगा, दांतों के जो गम्स हैं उनमें ब्लीडिंग होने लग सकता है, दांत कमज़ोर होने लगेंगे। विटामिन डी से कमी से रिकेट्स हो सकता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मिनरल्स और डिफिशियंसी, ठीक है। जो मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन है, उसकी कमी से हीमोग्लोबिन कम होगा तो वीकनेस आएगी, भूख कम लगेगी, हाइपरटेंशन होगा, आयोडीन से गोइट्री हो जाएगा, गला सूज के लटक जाएगा, कैल्शियम से बोन और टूथ डिके, कैल्शियम की कमी से दांत और हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगे, फ्लोरीन से डेंटल कैरीज वगैरह आपको होने लगे, पेन में टीथ में पेन होने लगेगा दांतों वगैरह में, ये सारी चीज़ें। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड, अगर आप हद से ज़्यादा खाना ले रहे हैं तो आपको कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओवर ईटिंग ऑफ द फैट रिच फूड मटेरियल्स इज नोन एज इज कॉज ऑफ द ओबेसिटी, मतलब कि आप हद से ज़्यादा ईटिंग कर रहे हो और उसमें भी जो फूड है आपका बहुत ज़्यादा फैट रिच है तो वो ओबेसिटी का है, जिससे फिर आगे जाके कई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, डायबिटिक प्रॉब्लम के आप पेशेंट बन सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके क्वेश्चन आंसर्स अपने चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपन जो स्टार्ट करेंगे अब वो होगा अपना चैप्टर नंबर 16, और वो था आपका गार्बेज इन और गार्बेज आउट चैप्टर था जो अपन कर चुके थे एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन सेशन अप्रैल के आसपास। इज इट क्लियर? बट उसको एक बार मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करके तो आपके बुक के क्वेश्चन आंसर से उनसे उसको चैप्टर को नोटबुक में डाउन करेंगे क्योंकि उस समय आपके पास में बुक्स अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। थैंक यू।